हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो का डॉक्टर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपको पता ही है कि नोज से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो आ जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। सो ये फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो ओपनिंग होती है नेजल कैविटी की, एक्चुअल में वही एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ओपन करता है इनटू द नेजल कैविटी। ओके, और इसका मेन काम क्या है? इट इज मेंट फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड। ओके, अब जो सेकेंड पोर्शन है वो होगी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी है ये ओरल कैविटी से सेपरेट होती है बाय मीन्स ऑफ पैलेट। मैंने आपको जब डिजेशन करवाया था उस टाइम भी बताया था कि जो ओरल कैविटी होती है वो नेजल कैविटी से सेपरेटेड होती है बाय पैलेट। पैलेट दो तरह का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। तो ये जो हार्ड पैलेट होता है ये बोन का बना होता है, हार्ड एंड बोनी पैलेट। तो ये मतलब सेपरेट करता है नेजल कैविटी को फ्रॉम ओरल कैविटी। ओके, अब इसके अंदर एपिथीलियम की लाइनिंग होती है। जो नेजल कैविटी है इसके अंदर एपिथीलियल सेल की लाइनिंग होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एपिथीलियल सेल्स, तो उसमें जो वेरियस टाइप ऑफ एपिथीलियल सेल्स है उसमें आपने पढ़ा होगा सिलिएटेड कल्यूमनर एपिथीलियल सेल्स। इसमें सीलिया होते हैं और कल्यूमनर जो सेल होते हैं वो कल्यूमनर एपिथीलियल सेल होते हैं, और साथ में इनके सीलिया होता है, सिलिएटेड कल्यूमनर एपिथीलियल सेल्स। और यहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड कल्यूमनर एपिथीलियल सेल्स दैट आर रिच इन म्यूकस। सो इससे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई, ब्लड वेसल्स भी होते हैं नेजल कैविटी में, उसकी वजह से जो एयर अंदर जा रही है नेजल कैविटी में तो उसकी वार्मिंग होती है, ठीक है, ड्यू टू ब्लड वेसल्स। मॉइस्ट होते हैं ड्यू टू म्यूकस, और स्टरलाइजेशन हो जाती है एयर की, क्योंकि जो हेयर प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटी में वो इसको, जो फॉरन पार्टिकल हैं उनको इंट्रैप कर लेते हैं, और जो म्यूकस है वो भी विस्कस होता है, वो भी डस्ट पार्टिकल को इंट्रैप कर लेता है। ओके, अब नेजल कैविटी से आगे इंटरनल नेयर, जो इंटरनल ओपनिंग होती है नेजल कैविटी की, वो जो फेरेंस को लीड करेगी। नेजल कैविटी ओपन इनटू इट एंड इट लीड टू फेरेंस, ठीक है। अब फेरेंस मैंने आपको बताया था डिजेशन में भी, इट्स ए कॉमन पैसेज बोथ फॉर ओरल एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब आगे आ जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं। ये जो ट्रेकिया का ऊपर वाला पोर्शन होता है वो इनलार्ज्ड पोर्शन होता है, उसी को लेरिंग्स बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसमें वोकल कोर्ड्स होते हैं, तो जब एयर वहाँ से क्रॉस करती है तो वहाँ मतलब उसकी जो है लेरिंग्स में जो वोकल कोर्ड्स होते हैं वहाँ से विद द पैसेज ऑफ एयर वहाँ पे वाइब्रेशन होती है वोकल कोर्ड्स में, ड्यू टू दैट वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेन इसका जो लेरिंग्स का है, इट्स ए लार्ज्ड पार्ट ऑफ ट्रेकिया विच इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इट प्रोड्यूसेस वॉइस बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कोर्ड्स। ओके, सो इसमें अभी कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। मेन कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे एयर जो एंटर कर रही है उसका रूट बताइए आप, वो अपनी ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल दे दी, फिर लेरिंग्स दे दिया, फिर नेजल कैविटी दे दी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या रूट है। तो जब एटमोसफियर से जो एयर हम इनहेल करेंगे वो अपू लंग्स कैसे ट्रेवल करती है, सो फर्स्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, आफ्टर दैट नेजल कैविटी, आफ्टर दैट इंटरनल नेयर्स, उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स। ओके, और ये आपकी डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ये देखिए, ये सारा इसमें शो किया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो ऊपर होगी नेजल कैविटी होगी, नेजल कैविटी, और ये नीचे माउथ कैविटी होगी। माउथ कैविटी नेजल कैविटी आपस में सेपरेटेड होते हैं विद हार्ड पैलेट। ओके, अब ये नेजल कैविटी है, ये आगे चलेगी, ये हो गया, यहाँ पे फेरिंग्स आ गया। ये इट्स ए कॉमन पैसेज बोथ फॉर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज फूड एंड एयर, दोनों का कॉमन पैसेज है, फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी। आफ्टर दैट इट लीड इन टू द लेरिंग्स, ये वाला पोर्शन जो है लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग से आगे जो है ये ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए ये वाला है जो, ये ट्रेकिया है। ओके, अब लेरिंग्स के बाद जो पोर्शन आएगा वो ट्रेकिया आएगा। अब इसके ऊपर एक देखिए, इसमें जो ये गोल गोल मार्किंग की हुई है, ये रिंग्स होते हैं, इनको हम बोल देते हैं सी शेप रिंग होते हैं।
ये कार्टिलेज के बने होते हैं। इनका क्या काम होता है कि जो जब इसमें ट्रेकिया में एयर नहीं होती तो वो कलेप्स ना कर जाए ट्रेकिया, उसको प्रिवेंट करते हैं ये कार्टिलेजिनस जो रिंग्स होते हैं। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं इनका क्या फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट ट्रेकिया फ्रॉम कलेप्स। ओके, आगे आ गया ट्रेकिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ओके, इट इज 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये लेंथ आपको याद रखनी पड़ेगी। और इट्स वॉल आर सपोर्टेड बाय 16 टू 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो ये मैंने अभी बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप माइंड में रखिएगा। इनको हम बोलते हैं रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, विच प्रिवेंट देम टू कलेप्स वेन एयर इज एबसेंट इन देम। ओके, तो ये इनको ये मतलब जब ये खाली होता है, इसमें एयर नहीं होती, तो इसको ये कलेप्स करने से अवॉइड करते हैं ये वाले, ठीक है, ये प्रिवेंट है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, पी आर ई वी ई एन टी। ओके, अब जो ट्रेकिया है इसको विंड पाइप भी कह देते हैं, और इसकी लेंथ याद रखिएगा, एमसीक्यू एंगल से इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, उसकी जो नंबरिंग है 16 से 20 होती है, और ये सी शेप में होते हैं। ओके, इसका क्या काम है, ये ट्रेकिया को कलेप्स से बचाते हैं जब इसमें एयर नहीं होती। ओके, अब जो ट्रेकिया है आगे जाके ये देखिए, ये दो में डिवाइड हो जाती है, ऐसे ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, जहां से ये डिवाइड करती है दो, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, इसको हम बोल देते हैं ब्रोंकस। एक को हम ब्रोंकस बोलेंगे, ये मतलब हो गया एक साइड का ब्रोंकस, ये दूसरी साइड का ब्रोंकस, और दोनों को हम बोल देते हैं ब्रोंकाई। ओके, ये मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये ऊपर से ट्रेकिया आ रही है, ठीक है, ये ट्रेकिया आगे जाके दो में डिवाइड होगी, राइट और लेफ्ट लंग में ये चली जाती है, तो इन दोनों को हम बोल देते हैं ब्रोंकाई, और अगर एक को बोलना हो तो ये बोलेंगे ब्रोंकस। ओके, अब ये जो ब्रोंकाई है ये आगे लंग्स में एंटर कर जाएंगे, लंग्स में एंटर करने के बाद इसकी फर्दर डिवीजन हो जाती है। ये देखिए, ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई हो गए दोनों, ये ब्रोंकाई आगे जाके इसकी डिवीजन होगी, इसको हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। इसको क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल लास्ट में ये देखिए, इसको हम बोल देते हैं एल्वियोलाई। इसकी डिटेल ये देखिए, ये हो गया एल्वियोलाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयर है वो एक्सटर्नल नेयर से कहाँ आई, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से कहाँ आई, इंटरनल नेयर्स को क्रॉस करती हुई, फिर वो आएगी फेरेंक्स में, आफ्टर दैट लेरेंक्स, लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद वो आएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद कहाँ आएगी, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स के बाद कहाँ आएगी, एल्वियोलाई में। तो ये रूट आपको पता होना चाहिए, कई बार वो मतलब एल्वियोलाई पहले मेंशन कर देते हैं और ब्रोंकाई है वो बाद में दे देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए कि कैसे जो है एयर का जो पैसेज होता है फ्रॉम एक्सटर्नल अप टू द लंग्स। ओके, क्लियर हो गया। अब एल्वियोलाई है ना जो ये वाला पोर्शन, इसके राउंड बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जो मेन हमने ऑक्सीजन इनहेल की है इनहेलेशन के दौरान, वो ऑक्सीजन इस रूप से होते हुए अप टू एल्वियो तक पहुंच जाए, एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। अब एल्वियोलाई में इसके राउंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होता है गैसेस का, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हो गई, और जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ प्योरिफिकेशन के लिए आता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये देखिए, ये ऐसे होता है, ये एल्वियोलाई दिखाया है मैंने एक, इसके ये देखिए राउंड ऐसे, ये वाली सारी ब्लड कैपिलरीज है ये वाली। ओके, ये जो जाल सा नेटवर्क बना हुआ है ये सारा ब्लड कैपिलरीज है, तो ये दोनों के बीच में गैसेस की एक्सचेंज होती है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो एल्वियोलाई से वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी, और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो एल्वियोलाई में चली जाएगी। अब इसमें एक तो ये पॉइंट हो गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई में होता है। नंबर दो इसमें जो मेन चीज़ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ से किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो यहाँ पे होता है बाय डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कोई चीज़ मूव करती है, तो उसको हम डिफ्यूज़न कह देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है एल्वियोलाई में, उसकी कंसंट्रेशन हाई है तो वो लो की तरफ जाएगी, लो कहाँ है, ब्लड कैपिलरीज में। इसी तरह ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है तो वो
ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में जाएगी। ओके क्लियर हो गया। सो ट्रेकिया के बाद आ गया ब्रोंकाई। ट्रेकिया इज ब्रांच्ड इनटू टू ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट ईच ऑफ विच ओपन इनटू द लंग्स। अब ये जो ब्रोंकाई है वो लंग्स में एंटर कर गए। ओके अब जो जो लंग्स हैं दीज आर टू लाइट वेट स्पंजी पाउचेस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ये जो लंग है इसके जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा बोल देते हैं। ओके ये याद रखिएगा, लंग्स की जो एक्सटर्नल कवरिंग है उसको बोल देते हैं प्लूरा। अब जो ब्रोंकाई है वो फर्दर ब्रांच्ड होते हैं इनटू सेवरल ब्रोंकियोल्स। ओके एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स एल्वियुलर सैक और एल्वियोलाई दोनों बोल देते हैं। इसका नाम एल्वियुलर सैक भी बोल देते हैं और एल्वियोलाई भी बोल देते हैं। तो जो इसके एंड होते हैं ब्रोंकियोल्स के वहां पे ये प्रेजेंट होती है जहां पे की एक्सचेंज होता है गैसेस का, क्योंकि उसके एल्वियुलर सैक के अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्रोंकियोल्स एल्वियुलर सैक और एल्वियोलाई आर प्रेजेंट विच आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज एंड थिन वॉल। और डिफ्यूजन के लिए क्या है कि जो वाल है उसकी थिन होनी चाहिए, तो अगर थिक वॉल्ड होगी तो डिफ्यूजन वहां से डिफिकल्ट होगा, इसलिए उसकी जो वाल है वो थिन वॉल होती है यहाँ पे। ओके ये देखिए जो नीचे वाला पोर्शन दिखाया है ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम एक मसल होता है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अब थोरेसिक कैविटी क्या है, ये जो डायाफ्राम से ऊपर वाला रीजन हो गया इसको हम बोल देंगे थोरेसिक कैविटी, तो जहाँ पे ये लंग्स सिचुएटेड हैं। और जो डायाफ्राम से नीचे वाला रीजन है उसको हम बोल देते हैं एब्डोमिनल कैविटी। उसमें जो आगे आ गया स्टोमक होता है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी। ओके अब आगे आ गया डायाफ्राम। इट इज अ शीट ऑफ मसल्स दैट लाइज बिलो द लंग्स एंड सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ओके क्लियर हो गया। अब आगे आ जाता है कि मैकेनिज्म जो ब्रीदिंग का है वो कैसे होता है। तो इसके लिए पहले आप ये देखिए इसमें दो मसल्स की मेन इन्वॉल्वमेंट होती है, ये ध्यान रखिए विच मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो फर्स्ट मसल है डायाफ्राम, सेकेंड मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायाफ्राम तो मैंने आपको ये दिखा दिया डायग्राम में, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं। ये देखिए जो लंग्स हैं ये रिब केज में होते हैं, पड़े होते हैं, इसके बाहर जो है लंग्स के बाहर ये रिब केज है। ओके ये रिब्स होगी सारी 1, 2, 3, 4, 5। अब जो ये रिब है, रिब के ये एक रिब से दूसरे रिब में जो डिस्टेंस है इसके बीच में मसल्स होते हैं, इसके बीच में मसल्स होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। देखो एक इसकी आउटर साइड होगी, एक इनर साइड होगी रिब केज की। जो आउटर साइड वाली जो है वहां पे मसल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो रिब का दूसरा नाम है उसका कोस्टा होता है, इसीलिए जो दो रिब्स के बीच में मसल प्रेजेंट हो गया उसको हम बोलेंगे इंटरकोस्टल, और बाहर की तरफ प्रेजेंट है इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके क्लियर हो गया। तो दो मसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व है फॉर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, एक हो गया डायाफ्राम, सेकंड हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं दो मसल्स बताइए जो कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हेल्पफुल है। सो फर्स्ट वन इज डायाफ्राम, सेकंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये होता कैसे है, ये देखिए ये शेप होती है डायाफ्राम की नॉर्मल। ओके अब जब इनहेलेशन होगी तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा कि ये जो डायाफ्राम मसल है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखिए ये रेड एरो में मैंने शो किया है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो लेंथ वाइज ये थोरेसिक कैविटी है उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, उससे क्या होगा कि जो ये रिब केज है मसल बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो टोटली मतलब जो ये थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया आपको, ये मसल नीचे की तरफ आ गया डायाफ्राम और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो बाहर की तरफ आ गए। किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। अब आपको पता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो वहां पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से जो एयर आ रही है वो अंदर की तरफ आएगी, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है
सो यही इसका मैकेनिज्म है। ड्यूरिंग इनहेलेशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन में जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, जिससे थ्रेसिक कैविटी का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे, तो प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज हो गया, इसलिए जो एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, मतलब हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसी तरह जब एक्सहेलेशन होती है तो क्या होगा, ये मसल रिलैक्स करेगा, ये जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ, ये देखिए डोम शेप हो गया, तो ये अंदर चला गया, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स करेंगे, वो इनवर्ड चले जाएंगे, उससे क्या होगा कि जो साइज है थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज कर गया, डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया तो अब जो मतलब एयर यहाँ पे है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब इस रीजन से ऊपर की तरफ जाएगी। सो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है, टू मसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिज्म ब्रीदिंग, याद रखिएगा, फर्स्ट वन इज डायफ्राम, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये देखिए अभी इनहेलेशन, व्हेन एयर इज ब्रीद्ड इन द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच्ड टू द रिब्स, ये देखिए दो मसल हो गए, फर्स्ट वन इज डायफ्राम, सेकेंड वन इज मसल्स अटैच्ड टू द रिब्स, ये क्या है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मसल जो रिब्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि मसल्स अटैच्ड टू द रिब्स, दे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच देयर अकर एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी, ओके, उसका जो साइज है कैविटी का, थ्रेसिक कैविटी का, वो इंक्रीज कर जाएगा, जब उसकी एक्सपेंशन होगी तो इट रिजल्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से एयर प्रेशर है वहां पे डिक्रीज कर जाएगा, और एयर है फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग एंड एल्वियोलर सैक गेट फिल्ड विद एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, तो जो एल्वियोलर सैक में जो ऑक्सीजन है बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, ओके, क्लियर हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जो एल्वियोलाई में आ गई, ये मैंने आपको दिखाया कि उसके राउंड क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, अब ये जो ऑक्सीजन है बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, इनटू द ब्लड, सो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के, ये जो डिफ्यूजन है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द ब्लड कैपिलरीज जाती है, ठीक है, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में ज्यादा होती है, ब्लड कैपिलरी में, वो वहां से डिफ्यूज कर जाएगी इनटू द एल्वियोलर सैक, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलर सैक। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं, पहले ये आप ध्यान रखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड में सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप अच्छी तरह माइंड में याद रखिएगा कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द आरबीसी ऑफ ब्लड। अब जो ऑक्सीजन आई है ब्लड में वो क्या करेगी, वो इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी, और कंबाइन करके वो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो ब्लड में आ रही है फ्रॉम द एल्वियोलर सैक, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसके साथ कंबाइन कर जाएगी, और कंबाइन करने के बाद वो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो मतलब इस फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आगे जाएगी ब्लड से तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अप टू द टिश्यू लेवल ये इस फॉर्म में जाती है, क्लियर हो गया। सो ऑक्सीजन एल्वियुलर सैक से डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए कहाँ आ रही है, इन द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रही है, और उसके बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो जो ऑक्सीजन है अप टू द टिश्यू लेवल वो ट्रांसफर होती है, क्लियर हो गया। अब टिश्यू में ब्लड चला गया, अब टिश्यू में वहाँ फिर एक्सचेंज होती है गैसेस की, ये देखिए अब टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड परी होगी और ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, अब ये प्योर ब्लड है जो आ रहा है, ठीक है ना, पहले इम्प्योर ब्लड था जो एल्वियोलाई और कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रही थी, अब ये जो ब्लड ऑक्सीजन लेके चला गया ये प्योर ब्लड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब टिश्यू के नजदीक जब ये जाता है तो वहां पे फिर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड,
अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ज़्यादा है, वो ब्लड से कहाँ चली जाएगी, इनटू द टिश्यू। ओके, आगे आपको पता ही है कि वो जो ऑक्सीजन है आगे सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल से करवाया था। ओके, तो ये हो गया इनहेलेशन में। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में जो एयर है जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसमें डायाफ्राम और जो मसल्स अटैच्ड टू द रिब्स, मसल अटैच टू द रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों रिलैक्स कर जाएंगे। अब रिलैक्स करने से क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है उसका जो साइज है वो रिड्यूस कर जाता है, साइज रिड्यूस करने से क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पुश्ड आउट हो जाएगी फ्रॉम लंग्स इनटू द एयर। क्लियर हो गया, तो इसमें कोई इतना खास नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के एंगल से आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट आपको रूट बोल सकते हैं कि जैसे एयर है अंदर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो उसका रूट क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड ये बोल देंगे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो कहाँ पे हो रही है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो एल्वियुलर सैक और ब्लड कैपिलरीज में जो ट्रांस जो गैसेस की एक्सचेंज हो रही है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल देते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन होती है जो टिश्यू और ब्लड में हो रही है, ठीक है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, हेमोग्लोबिन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द आरबीसी। अब जो मैकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग आ सकता है तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए, टू मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, डायाफ्राम और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, जब इनहेलेशन होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, साइज चेस्ट कैविटी का इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, सो जो एयर है वो एक्सटर्नल टू जो लंग्स में है वो पुश हो जाती है, और जो दूसरा मतलब है एक्सहेलेशन वाला उसमें वो रिलैक्स कर जाते हैं और अपोजिट प्रोसेस होता है। ओके, क्लियर हो गया आपको, होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।